प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश सचिव चौधरी सुखराज सिंह ने आज प्रेस वार्ता की और संगठन को मजबूत करने पर रणनीति तैयार की। इस दौरान चौधरी सुखराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव होना है, जिसके लिए हमें अपने उम्मीदवारों का चयन करना है और कार्यकारिणी में भेजना है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव चौधरी सुखराज सिंह ने कहा कि मुरादाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी में हम अपने 4 मेंबर भेजेंगे, जिनका चयन आज किया जाएगा। मुरादाबाद में कांग्रेस में चल रही आपसी तनातनी पर बोलते हुए कहा कि ऐसा महानगर में कुछ भी नहीं है और न ही इस तरह की उन्हें कोई जानकारी है। तो वहीं कांग्रेस पार्षद दल के नेता को लेकर चल रहे विवाद पर बोलते हुए चौधरी सुखराज सिंह ने साफ कहा कि पार्षद दल के नेता महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा को चुना गया है और वही पार्षद दल के नेता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम में महानगर की जनता की लड़ाई को कांग्रेस के पार्षद दल के नेता अनुभव मेहरोत्रा के नेतृत्व में लड़ेंगे। महानगर के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महानगर में किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था नहीं है और कमीशन खोरी के अलावा मुरादाबाद के नगर निगम में दूसरा कोई कार्य नहीं चल रहा है। आज के संबंध में आज का जो मेन मकसद था वो 10 तारीख में निगम की कार्यकारिणी का चुनाव होना है, उसमें 4 पार्षद हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 पार्षद हमारे जा सकते हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। 4 पार्षद कार्यकारिणी में जब जाएंगे, मुरादाबाद की क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे, जो जो समस्याएं हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उसी विषय पर आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व अध्यक्ष देशराज शर्मा जी, गुरु जी हैं हमारे, महानगर के अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा जी और पार्षद दल के नेता भी हैं अनुभव मल्होत्रा भाई, इन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव होना है। तो उसी पर डिस्कशन के लिए आदरणीय प्रदीप नरवाल जी का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का आदेश हुआ कि आप जाइए, सबके साथ बैठिए, बात करिए, उन लोगों को, वो जुझारू लोग जो कार्यकारिणी में जाने के बाद मुरादाबाद की जनता की आवाज़ उठा सकें, क्योंकि मुरादाबाद के हर वार्ड की बहुत भयंकर समस्याएँ हैं। ज़्यादातर वार्डों से शिकायत आ रही है, हमारे पार्षद बता रहे हैं कि 40-40, 45-45 लोगों की सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है और सफाई करने के नाम पर 10 या 12-15 भी मौजूद नहीं मिलते हैं। उनका कारण ये है कि वो सब कहीं या तो किसी न किसी नेता के यहाँ सेटअप हैं या घर बैठे अपनी सैलरी ले रहे हैं और कुछ कमीशन माननीय सम्मानित नेताओं को, जो गंगा से धुली हुई पार्टी की आज सरकार चल रही है और उनके मेयर बैठे हुए हैं, उनके घर पहुँचा देते हैं और अपने घर आराम करते हैं। उन्हें मुरादाबाद की जनता से कोई सरोकार नहीं है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पार्षद दल के नेता भाई अनुभव मल्होत्रा जी और 4 हमारे पार्षद जो निगम की कार्यकारिणी में जाएंगे, वो सब मिलकर लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 70 से 70 वार्डों में सारे कर्मचारी सफाई करें, नालियों की सफाई करें, झाड़ू लगाएं, वो स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं और सफाई कर्मचारियों की सैलरी अपनी जेब में रख लेते हैं और उनसे कहते हैं घर आराम करिए। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे वकील साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, अनुभव भाई बैठे हुए हैं, गुजर साहब बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें, और वकील साहब हैं, मिश्रा जी हैं, सब लोगों मिलकर अभी हम चर्चा करेंगे। कुछ और लोग आ रहे हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और उन जुझारू लोगों को कार्यकारिणी में भेजेंगे, तो मुरादाबाद के 70 के 70 वार्डों की जनता की आवाज़ उठा सकें और सुचारू रूप से मुरादाबाद का विकास करवा सकें। नाम तो हमारे पास 23 है, इन्हीं में से तो जाने हैं ना, आए कहाँ से हैं ये, सबके सब चाहते हैं, ये सबके सब चाहते हैं कांग्रेस में। देखिए, मैं आज सचिव हूँ, चाहता हूँ मैं महासचिव बन जाऊँ, ऐसे ही यहाँ जो पार्षद हैं वो चाहते हैं कि मैं कार्यकारिणी में चला जाऊँ, मैं पार्षद दल का नेता बन जाऊँ, लेकिन जैसे जो पार्टी के लिए बेहतर होगा, जो पार्टी के हक में होगा, जो पार्टी के लिए लड़ सकते हैं, जो जुझारू होंगे, उन लोगों को, 4 लोगों को सबकी सहमति बनाकर 4 लोगों का नाम चयन करा जाएगा। कोशिश करेंगे कि आज ही शाम तक हम चयन करके उनके नाम तय करके आप सब लोगों को उससे अवगत करा देंगे। अभी नाम तय नहीं हुआ, अभी आकर बैठे हैं, सब लोग चर्चा करेंगे, कुछ लोगों पे नामों पे विचार चला है, लेकिन जब तक फाइनल नहीं हो उन पर कहने या बताना कोई औचित्य नहीं बनता। कई नामों पर चर्चा चली है, उस पर जैसे ही फाइनल होगा आपको तुरंत बता दें।